एक तो मैं पढ़ाई छोड़ के एक्टर बन गया, ऊपर से मैं यही कर रहा हूँ, मुंह काला कर रहा हूँ स्क्रीन में। वानी ने मुझे देखा और बस मुझसे पहली नजर में पहला प्यार। किसिंग सीन के बड़े लफड़े बहुत हैं। मैं लड़का हूँ, मुझे पता है कैसे किस करना है। तुम्हें कैसे पता पहला है? मेरी मम्मी रोई थी व्हेन शी सॉ मी किसिंग ऑन स्क्रीन। आकाश शेमलेस है, आकाश ठिचोर है, उसके जो मन में आता है वो बोल देता है। हाय, दिस इज कार्तिक एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन biscuit.com। आकाशवाणी जैसे कि ऊपर से होता है आकाशवाणी, बहुत लोगों ने मेरे से ये पूछा कि रेडियो जॉकी की कहानी है या इज इट आकाशवाणी। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स टू कैरेक्टर, आकाश एंड वाणी। इट्स देयर स्टोरी, देयर लव स्टोरी। सो आई एम प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ आकाश एंड नुसरत इज प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ वाणी। इट्स अ वेरी बिग यू नो अपॉर्चुनिटी फॉर एन एक्टर टू यू नो प्ले अ कैरेक्टर हुज नेम इज फ्रॉम द टाइटल। सो या And I was really excited with the script also. When I got the narration, I was happy with the character because it was really different from what I played in Pyar Ka Panchnama. अगर आप normally बाहर जाएंगे, बाहर बातें करेंगे एक दूसरे से, girlfriend boyfriend बात कर रहे हैं, I don't think so, वो एकदम लड़की पर्दे में होगी और लड़का पता नहीं कहाँ पे छुपा होगा, वहाँ से वो देख रहा होगा किसी पर्दे को हटा के कि मेरे को देख लो। क्योंकि नॉर्मल लाइफ में आई डोंट थिंक सो पीपल प्रेफर बीइंग शाय, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो तो सामने सामने बात करते हैं, इतनी ज़्यादा बातें करते हैं जो हम स्क्रीन पर नहीं दिखाते आमतौर पर, तो उसी को कट डाउन करके हम लोग उस लेवल पर लाते हैं जो सामने वाला समझ जाए ऑडियंस। सो आई डोंट थिंक सो इट्स वल्गर, इट्स द नीड ऑफ द स्क्रिप्ट कि उसमें जो डायलॉग्स हैं वो उस मोमेंट के लिए सबसे ज़्यादा एप्ट है। एंड वो वल्गैरिटी को आई डोंट थिंक सो दे आर शोइंग वल्गैरिटी, दे आर शोइंग कि एज अ कैरेक्टर आकाश कैसा है। आकाश शेमलेस है, आकाश ठिचोर है, उसके जो मन में आता है वो बोल देता है बिना शर्माए। मैं लड़का हूँ, मुझे पता है कैसे किस करना है। द थिंग इज कि आई वॉजेंट ओपन ड्यूरिंग प्यार का पंचनामा, देर वॉज अ लिप लॉकिंग सीन, किसिंग सीन इन अ फिल्म, एंड जिसको मैंने मना कर दिया था लवसर को करने को। मैंने कहा था मैं स्क्रीन पे नहीं कर सकता किस, बिकॉज मेरी नानी बड़ी गुस्सा होती, मेरी मम्मी बहुत गुस्सा होती, मेरी मम्मी रोई थी व्हेन शी सॉ मी किसिंग ऑन स्क्रीन। सो शी वॉज लाइक अनहैप्पी विद द फैक्ट कि आई किस्ड ऑन स्क्रीन एंड आई कांट डू दिस। एक तो मैं पढ़ाई छोड़ के एक्टर बन गया, ऊपर से मैं यही कर रहा हूँ, मुँह काला कर रहा हूँ स्क्रीन में। तो शी डिडंट वॉन्ट इट, तो इवन आई डिडंट वॉन्ट इट कि कल को मैं भी ऐसा नहीं देखना चाहता कि ऑन स्क्रीन में किस कर रहा हूँ। बट हाँ, मतलब वो था, डिमांड था, लव सर को चाहिए था कि किस करना है उस फिल्म में, प्यार का पंचनामा में। तो या वो किया इन आकाशवाणी, यू विल गेट टू सी कि इसमें है कि नहीं। बट उसके अलावा रिहर्सल्स नहीं होती, आपको प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती, बिकॉज आप मैकेनिकली कर रहे हो वो चीज़, तो बहुत ही रोबोटिक केस होता है वो, कि अच्छा भी दिखना चाहिए स्क्रीन पे, कैमरे पे अच्छा दिखना चाहिए, लोगों को लगना नहीं चाहिए कि ये क्या है, ये कैसा किस कर रहा है। तो वो सारी चीज़ें दिमाग में रहती है रादर देन कि हाँ मैं लड़की को किस कर रहा हूँ। आई थिंक जब भी आप किस कर रहे हो नाक नहीं टकरानी चाहिए और आंखें बंद कर लेनी चाहिए, होते रहना चाहिए, लगना नहीं चाहिए कि आप किसको मज़ा कर रहे हो किस में मज़ा आ रहा है आपको। आंखें बंद होगी तो सबको लगेगा नहीं नहीं घबरा के कर रहा है। इट्स मैकेनिकल, यू जस्ट कांट रिलिश द मोमेंट। एंड द थिंग इज कि सी इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन योर को एक्टर कि अब आप अपनी को एक्टर को डेट कर रहे हो तो वो अलग बात है, और उसके साथ भी अगर बहुत सारी चीज़ें कि डेट भी कर रहे हो तो ऑन स्क्रीन आप 50 लोगों के सामने किस कर रहे हो तो वो भी बुरी बात है। एंड अगर आप डेट नहीं कर रहे हो और आपके झगड़े हैं फिर भी आपको किस करना पड़ रहा है तो वो अलग बात है। तो किसिंग सीन के बड़े लफड़े बहुत हैं। मैंने ऐसे कभी किसी को ये नहीं सोचा कि ये ऐसा इसके जैसा करता हूँ, तो फिर तो वो रीमेक ही बना लेते, पूरी फिल्म भी उसी के जैसी बना लेते, तो नथिंग लाइक दैट। आई डोंट नो, मैंने किसी को माइंडसेट में ऐसे रख के नहीं सोचा कि
आकाश ऐसा होना चाहिए, मेरा कैरेक्टर बहुत ही डोमिनेंट है, शेमलेस है, छिछोर है, वैसा ऐसा लड़का है, तो मैंने किसी को अपने दिमाग में रखा नहीं कि ये एक्टर की तरह मैं करूँ या ये चीज़ करूँ। आई जस्ट थॉट ऑफ द थिंग्स कि उसकी पर्सनैलिटी कैसे होगी एंड आई चेंज्ड माईसेल्फ कि मैं अपने आप को उस चीज़ में मोल्ड करूँ और कैसे मैं वैसे बिहेव करूँ जैसे आकाश होना चाहिए। दो हीरोइन हो सकती थी, दो हीरो नहीं हो सकते थे। नहीं ऐसा कुछ नहीं, इट्स अ रोमांटिक सागा, नो ट्राइंगल, नथिंग एज सच, बट आई थिंक मैंने ऐसे कभी किसी को ये नहीं सोचा कि ये ऐसा इसके जैसा करता हूँ, तो फिर तो वो रीमेक ही बना लेते, पूरी फिल्म भी उसी के जैसी बना लेते। बहुत पहले ऐसी फिल्में बनती थी जिसमें प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट होता था, प्रॉपर एक हीरोइन हीरो होता था एंड आई थिंक स्टोरी उनके कैरेक्टर्स के अराउंड रिवॉल्व करती थी। एंड इसमें ऐसा नहीं है कि यू हैव जस्ट पुट इन सम सॉन्ग्स, बिना बात के कोई गाने भी हैं, बिना बात के कोई आइटम नंबर डाल दिया हो या ऐसा कुछ नहीं है। इतने गैप के बाद आई थिंक यू आर गोना वॉच अ रोमांटिक सागा। मैं अगर एज एन ऑडियंस होता तो मैं आकाशवाणी को बहुत पसंद करता बिकॉज मेरे को ऐसी फिल्में काफ़ी पसंद है एंड आई थिंक पीपल आर गोना लव इट। नो नॉट एग्जैक्टली, थिंग इज़ कि आई थिंक वो सीनियर एक्टर है और उन्होंने काफ़ी फिल्में की हैं, काफ़ी टाइम इंडस्ट्री में निभाया है एंड ही इज़ डन अ वंडरफुल जॉब एज एन एक्टर, मेरे को काफ़ी पसंद भी थे। आई थिंक पीपल लव्ड अस इन प्यार का पंचनामा, द टू ऑफ अस, द ऑल ऑफ अस एक्चुअली, एंड दे नो द टेस्ट ऑफ द मेकर्स ऑफ प्यार का पंचनामा। So with Akashvani it's the same thing, that people are gonna connect to it, connect to the story, the concept of the film, the way they connected to Pyar Ka Panchnama, and that is what I feel the main USP of the film is, that people are not gonna, you know, whomsoever comes to the theater and watches a movie, he's not gonna be, you know, unsatisfied with the film, he's gonna say good things about it, the way things happened for Pyar Ka Panchnama, word of mouth publicity uski hui thi bahut zyada. And I'm expecting the same thing with Akashvani, ki everybody is going to say good things about Akashvani. And yeah, I think jo social message ki baat maine aapko boli thi, wo social message kaafi had tak logo ko connect karega, kaafi had tak.